टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर सुखना लेक और रॉक गार्डन तो पहले से है, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक खुशखबरी की बात ये है कि चंडीगढ़ में एक बर्ड पार्क खोला गया है जिसमें 20 प्रजातियों की 800 बर्ड रखी गई है, जहाँ जिसका उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित की पत्नी पुष्पा और रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने किया है। इसी के साथ आपको बता दें, इस बर्ड पार्क में आपको काफी सारे रंग बिरंगी बर्ड्स भी दिखाई देंगी। मेरा नाम साहिल कंबोज है। साहिल कंबोज जी, आप बर्ड पार्क में कितना एंजॉय कर रहे हैं? काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो पहला ही हमने एंट्री करा है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर बना है गवर्नमेंट ने, क्वाइट गुड। अभी वो कि आपने अब पहला देखा है वो और आगे और भी देखा, वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें ला दी है, बर्ड वगैरह का देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा बनाया है, वेरी गुड अच्छा बच्चा मेरे द्वारा। बर्ड पार्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखता हूँ इसको वेरी गुड। मैं हैदराबाद का भी देखा हुआ है, दस्तीन सिटी ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स सी आज कैसा रहेगा। अभी तक के एक्सपेक्टेशन से मैं 10/10। बच्चों का भी कहना है कि यहाँ पे सबसे प्यारे बर्ड्स लग रहे हैं, ऐसे हम जानेंगे आगे उन लोगों का उनका क्या कुछ कहना है। चलिए रॉक गार्डन और सुखना लेक का टू कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेसेस टू विजिट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस टू विजिट, क्योंकि ये बर्ड्स आई एम 26 और मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि चंडीगढ़ के सिटीजन जो होंगे उन्होंने भी नहीं देखी होगी, तो इट इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। देश में ये पहला पार्क है जिसकी ऊंचाई 58 फीट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जितना ऊंचा है फ्लाइंग बर्ड पार्क है। यहाँ पे अनेक तरीके की बर्ड्स आपको दिख भी रही होगी, जिसमें कि ब्लू बर्ड्स, लव बर्ड्स, ऐसे अनेक बर्ड्स के नाम की यहाँ पे प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ये पूरा पार्क 6.5 एकड़ जमीन में बना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आए हुए लोगों का टूरिस्ट का ये कहना है कि ये बर्ड पार्क में वो बहुत ही खुश हैं और काफ़ी मनोरंजन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग पहले हैदराबाद में भी बर्ड पार्क देख चुके हैं, लेकिन ये बर्ड पार्क कुछ खास है। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।